जब हिम्मत हो कुछ कर गुजरने की तो बात ही क्या है डरने की। जी हाँ, अगर आपको कुछ करना है जीवन में तो डरने की जरूरत नहीं है। आप सभी का विमर्श के YouTube चैनल में स्वागत है। तो बात करते हैं बच्चों, आज पढ़ेंगे हम रस के बारे में। सो ट्रिक, रस कितने प्रकार के होते हैं और किस धातु से मिलकर बना होता है, किस भाषा की धातु है, तो इनके बारे में आज बात करते हैं। तो उससे पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसा कि आपका यूपी पुलिस का पेपर हुआ था जो कैंसिल हो चुका है, तो उसमें चार पाली में जो पेपर हुए थे उसमें 148 क्वेश्चन थे, जिनमें से हमारे 124 क्वेश्चन हूबहू आपकी परीक्षा में आए हैं। और इसकी एक हमने वीडियो बना के यूट्यूब पे अभी हमारा जो चैनल उस पर अपलोड है, आप उसे जाके देख सकते हैं। अगर आपको हिंदी स्ट्रॉन्ग करनी, देखिए आपको अगर पेपर पास करना है तो हिंदी सबसे जरूरी है, क्योंकि यही आपका स्कोर बढ़ाएगी और इसी से आपका सिलेक्शन होगा। क्योंकि अगर आपका सपना है कि इस बार वर्दी लेने का, तो आपको हिंदी ही जीत दिलाएगी और हिंदी ही आपको वर्दी दिलाएगी। तो ये आपको याद रखना है, अगर आपको हिंदी पे काबू करना है तो खान सर के क्लास को जरूर ज्वाइन करना है और कंटिन्यू रहना है क्लास के साथ। अभी हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं केवल 10 मिनट की यहाँ पे क्लासेस हैं, उसके बाद आपके यहाँ पे MCQ स्टार्ट हो जाएंगे। तो चलिए चलते हैं रस की ओर। तो ये आपका के बारे में बात करते हैं, रस क्या होता है। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रस इस संस्कृत की धातु से मिलकर बना होता है। किससे? संस्कृत की धातु होती है, तो ये आपको याद भी रखना है। रस शब्द की व्युत्पत्ति संस्कृत की रस धातु में अच प्रत्यय के योग से होती है। अब बात करते हैं यहाँ पे अच क्या होता है बच्चों। देखिए अच जो होता है, एक संस्कृत में स्वर को ही अच कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे जब हम रस में रस को अलग करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिखा रस, इसमें से क्या निकलेगा, हलंत लगाने के बाद ए स्वर बाहर होता है और संस्कृत में इसे नाम दिया गया है अच। ये आपको याद रखना है, क्या नाम दिया गया है, अच नाम दिया गया है। तो ये आपको याद रखना है। और पूछ लिया जाता है अच किसे कहा जाता है, तो ये भी आपको याद रखना, संस्कृत में कहा जाता है किसको, स्वर को। तो याद रखेंगे रस किससे बना है, रस है प्लस अच से बना है, ये आपको याद रखना है, रस बन जाएगा। अब बात करते हैं रस होता क्या है। देखिए जब हम किसी काव्य को पढ़ते हैं सुनते हैं, उसमें हमें जो आनंद आता है, कहते हैं ना मजा आ रहा है, वाह बे वाह मजा आ गया, ये कोई फिल्म देख रहे हैं, कोई दृश्य देख रहे हैं, हमें मजा आ रहा है, वही हमारा क्या होता है, रस कहलाता है। तो उसकी डेफिनेशन आपके सामने है, किसी भी काव्य रचना को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की प्राप्ति होती है उसे रस कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, अगर आप परीक्षा देने जा रहे हैं और आपने जो पढ़ा है वही आपकी परीक्षा में आ जाएगा, तो आपको क्या आएगा, मजा आएगा, आनंद आएगा, वाह भाई मजा आ गया, हमने जो पढ़ा था वही हमारे पेपर में आया है, इसे ही हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो आगे देखते हैं अगले पॉइंट पे। अब बात करते हैं यहाँ पे रस का शाब्दिक अर्थ। देखिए रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आनंद होता है, क्या होता है, आनंद होता है। अब बात करते हैं यहाँ पे काव्य को पढ़ने या सुनने और नाटक को देखने से पाठक और श्रोता को, देखिए पाठक और श्रोता यानी कि सुनने वाला होता है, जिससे क्या होता है, आनंद की अनुभूति होती है, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ये आपको याद रखना है। और रस को अन्य नामों से भी जाना जाता है, इसे आत्मा भी कहा जाता है और प्राण तो भी कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे। रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, प्राण का अर्थ भी वायु होता है और यहाँ पे आत्मा की भी बात करेंगे। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और ये आपको याद भी रखना है। रस की सर्वप्रथम उत्पत्ति किसने की थी, भरत मुनि ने की थी। किसमें, भरत मुनि ने की थी, अपने नाट्य शास्त्र में इसका उल्लेख भी दिया गया है, ये आपको याद रखना है। किसमें, जो इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है नाट्य शास्त्र में परिभाषा का उल्लेख दिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे, देखिए रस सूत्र, रस सूत्र की उत्पत्ति किसने किया, किसने लिखा है, वो भी भरत मुनि ही है। और इसमें इंपॉर्टेंट बात और है, देखिए अगर बात करते हैं यहाँ पे रस के चार भाग होते हैं या कहा जाए चार अंग होते हैं, लेकिन इसमें कैसा अंग होता है जो इस रस में नहीं दिया गया है, वो होता है स्थायी भाव। देखिए
बात करते हैं यहाँ पे विभाव अनुभाव व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति, तो यहाँ पे आ चुका है, क्या आ चुका है? व्यभिचारी, जिसे हम कहते हैं संचारी भाव, क्या कहा जाता है इसको? संचारी भाव। तो यहाँ पे संचारी भाव भी दिया हुआ है, लेकिन क्या नहीं है? ऐसे करके पूछता है कि रस के रस सूत्र में जो रस का कौन सा अंग या कौन सा भाग उल्लेखित नहीं है, तो स्थायी भाव नहीं है, बाकी तीन भाग इसके अंतर्गत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विभाव अनुभाव व्यभिचारी भाव, जिसको हम बोलते हैं संचारी भाव, के संयोग से रस निष्पत्ति होती है। उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। और इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये आपको याद रखना है, स्थायी भाव का उल्लेख इसमें मिलता, इसका नहीं मिलता, स्थायी भाव का उल्लेख इसमें नहीं है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है? उम्मीद करता हूं आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। अब बच्चों बात करते हैं यहाँ पे रस की सर्वप्रथम, देखिए सर्वप्रथम प्रयोग, अगर बात करें रस का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ पे मिला हमें देखने के लिए, तैतरीय ब्राह्मण में मिला, उपनिषद में मिला है, इसमें उपनिषद में मिला है, तैतरीय उपनिषद में। उसके बाद बात करते हैं भरत मुनि के नाट्य शास्त्र के अनुसार रसों की संख्या, देखिए जो रस भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है उनके अनुसार रसों की संख्या 8 मानी गई है। ऐसा कौन सा रस है जिसको रस की संज्ञा में नहीं रखा गया है? शांत रस है, ये आपको याद रखना है, कौन सा है? शांत रस है। देखिए भरत मुनि शांत रस को रस नहीं मानते, और ये देखिए दो नोट पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये आपको याद भी रखने हैं। ठीक है बच्चों, जैसे देखिए स्थायी भाव क्या होता है? परिपक्व अवस्था, जो रस की परिपक्व अवस्था होती है उसे ही हम स्थायी भाव कहते हैं, ये आपको याद रखना है। स्थायी भाव को संचारी भाव का मित्र भी कहा जाता है, इसे कहा गया है मित्र, संचारी भाव को स्थायी भाव का क्या कहा है? मित्र कहा गया है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं रसों की संख्या कितनी होती है बच्चों? 9 होती है, और 9 ही इनके स्थायी भाव होते हैं। स्थायी भाव क्या होते हैं? जो लगातार अपने बने रहते हैं, वो सेकंड भर में नहीं बदलते, क्योंकि बदलने का कार्य होता है संचारी भाव का, ये आपको याद रखना है, ये स्थिर रहते हैं, बदलते नहीं है। अब जान लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से यहाँ पे 9 रस हैं और उनके कौन से स्थायी भाव हैं। ठीक है, अगर बात करें सबसे पहले कहा जाता है रसों का राजा रसपति या रसराज, तो सबसे इंपॉर्टेंट है श्रृंगार रस है, ये आपको याद रखना है, कौन सा है? श्रृंगार रस है, और ये आपको याद रखना है। रसराज कहा जाए, रसपति कहा जाए, या रसों का राजा कहा जाए, श्रृंगार रस को कहा जाता है। सबसे पहले अब बात करते हैं नंबर 1 की श्रृंगार रस, देखिए इसको आप याद कैसे रख पाएंगे। सबसे ज्यादा यहाँ पे जो मुश्किल है वो स्थायी भाव याद रखना होता है, आपको याद कैसे रखना है? देखिए जब हम कोई वस्तु खरीदते हैं या किसी, अगर हम किसी वस्तु से ज्यादा प्रेम करते हैं तो उसको क्या करते हैं? संभाल के रखते हैं, साफ सुथरा या सुंदर बना के उसके रखते हैं, तो उसके लिए क्या करते हैं? अगर हमने कोई मोबाइल खरीदा उसके लिए अच्छा कवर लाएंगे, उसके ऊपर टेम्पर लगाएंगे, तो उसको क्या होगा? उसके अंदर हम प्रेम अपना क्या है, हमारा लगाव होगा, उसमें प्रेम होगा, उसी को हम क्या कहेंगे? श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होता है? रति या प्रेम, क्या होता है? रति या प्रेम। या बात की जाए नायक का नायिका के लिए जो प्रेम होता है, जब श्रृंगार कर नायिका नायिका के सामने नायक के सामने आती है, तो उसमें क्या उत्पन्न होता है? प्रेम उत्पन्न होता है, जिसको हम रति, इसका स्थायी भाव होता है। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया हो। बात करते हैं यहाँ पे देखिए करुण रस, करुण रस क्या होता है? जिसमें हमें दुख हो या अपना हमसे बिछड़ जाए, मृत्यु हो जाए किसी की, तो उसके लिए क्या करते हैं? हम शोक रखते हैं, हमें उसका दुख मनाना होता है, तो वहां पे क्या हो जाएगा? शोक हो जाएगा, ये आपको याद रखना है बच्चों। और आप इसे ऐसे भी याद रख सकते हैं, श्रृंगार का अंतिम यहाँ पे रह आ रहा है और यहाँ से यहाँ पे रहती किसकी स्टार्टिंग है, उसी प्रकार से करुण यहाँ पे शुरुआत है
और यहाँ पे कैसी के साथ आ रहा है, यहाँ पे करुण रस का क्या बन जाएगा, शोक। अब बात करते हैं यहाँ पे वीर रस, देखिए वीर रस है। अब वीर रस में यहाँ पे देखिए कैसे होगा, यहाँ पे अगर हमारे भारतीय सैनिक पाकिस्तान बॉर्डर पे, जो उधर पाकिस्तान बॉर्डर है और यहाँ पे युद्ध हो जाता है और भारतीय सैनिक उनको क्या करते हैं, वहां उनको शहीद, वहां पे उनको मृत्यु कर देते हैं, उनको अटैक कर देते हैं और हमारे सैनिक जीत जाते हैं, तो वहां पे क्या होता है, खुशी का माहौल होता है। क्या होता है, खुशी, उत्साह होता है, उत्साह होता है। तो याद रखेंगे यहाँ पे क्या बन जाएगा, उत्साह, यहाँ पे इसका स्थायी भाव हो जाएगा। उसके बाद बच्चों याद रखना है हास्य रस, तो हास्य रस में क्या हो जाएगा, हास हो जाएगा, हंसते हंसते हम थक गए, हा 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 करके हंसते रहेंगे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हास हो जाएगा, ये इसका स्थायी भाव हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। देखिये यहाँ पे याद रखना है रौद्र क्रोध, ये आपको ऐसे रखना है, यहाँ पे दय के रह में आ रहा है, यहाँ पे कह में आ रहा है, तो रौद्र का क्रोध हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छी समझ में आ रहा होगा। इसके बाद बात करते हैं बच्चों विभत्स की, यहाँ पे विभत्स रस हो जाएगा। विभत्स रस का क्या होगा, घृणा या जुगुप्सा, क्या हो जाएगा, घृणा या जुगुप्सा हो जाएगा। भयानक का यहाँ पे देखिए, भयानक से पता चल जाएगा कि यहाँ पर क्या बन रहा है, भय बन रहा है, डर हो रहा है। उसी के बाद आप याद रखेंगे, उसके बाद आता है अद्भुत। देखिए कोई प्राकृतिक दृश्य अद्भुत है, वो अद्भुत चीज आपने देख ली कहेंगे आश्चर्य है, कि हमने ऐसी चीज कभी नहीं देखी, क्या है, आश्चर्य है या विस्मय है, ये इसके क्या हो जाएंगे, स्थायी भाव हो जाएंगे। के बाद देखिए बात करते हैं शांत रस, शांत रस की यहाँ पे क्या है स्थायी भाव, निर्वेद है या निवृत्ति है, क्या है, निर्वेद या निवृत्ति, तो यहाँ पे स्थायी भाव हो चुके हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है क्योंकि इनकी कुल संख्या कितनी होती है, 11 होती है, और यहाँ पे क्या 2 नहीं है, तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कौन कौन से यहाँ पे रस जो नहीं लिखे गए और इनके स्थायी भाव बताने हैं। तो सभी अच्छे कमेंट करके बताएं अगर ये वीडियो कैसी लगी आपको, अगर वीडियो पसंद आई है तो क्लास को इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।